तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी जैन मोमोज और जैन मोमोज की चटनी। तो ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन में 1 कप मैदा या गेहूं का आटा ले लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच के करीब तेल डाल देंगे हम इसके अंदर मोयन के लिए। फिर उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके एक क्रम्बली मिक्सचर तैयार करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एकदम स्मूथ सा आटा गूंद देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और इस आटे को गूंदने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे अच्छे से स्मूथ होने के लिए। फिर हम फिलिंग बनाने के लिए एक बड़े से बाउल में 1.5 कप के करीब बारीक कटी हुई पत्ता गोभी लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटा हुई लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च। थोड़े से बारीक कटा हुए फ्रेंच बीन्स भी डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें बॉइल्ड किए हुए स्वीट कॉर्न को क्रश करके डाल सकते हो या पनीर भी डाल सकते हो, या बिल्कुल आपकी मर्जी है। फिर हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम इसके अंदर। आधा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच के करीब ऑरिगैनो या कोई भी मिक्स्ड हर्ब्स डाल के इन सारी चीज़ों को जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग बन के तैयार है, तो अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। फिर से हम हमारा गूंदा हुआ जो आटा है उसे ले लेंगे और फिर से इसे एक बार अच्छे से गूंद के अपने हाथों की मदद से एकदम स्मूथ कर लेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंद देंगे इसे और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा हिस्सा अपने हाथ में लेके इसे इस तरीके से अच्छे से रोल करेंगे अपने हाथों के बीच और इसे किसी भी फ्लैट सरफेस या चकले के ऊपर रख देंगे और इसे एक बेलन की मदद से अच्छे से पतला सा बेल के एक राउंड सी शीट तैयार कर लेंगे, मोमोज शीट बेसिकली। और उसके बाद में हम इसके बीच में हमारी फिलिंग रखेंगे। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग रखी है, आप ज़रूरत अनुसार रख सकते हैं और इसे आप जैसे चाहे वैसे फोल्ड कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से मोमोज़ को फोल्ड करने की वीडियो आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने काफ़ी सारे मोमोज फिल कर दिए हैं। फिर हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब एक स्टीमर के बेस के अंदर हम पानी भर देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी बड़े सी कढ़ाई के अंदर पानी डाल दीजिए और इसे ढक्कन लगा के पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर उसके ऊपर हम स्टीमर की ट्रे रख देंगे या फिर कोई भी बड़े छेद वाली छन्नी रख के इसके ऊपर अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे और इसे ढक्कन लगा के पानी को जो अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही पानी अच्छे से उबलना स्टार्ट हो जाए, हम इसके अंदर हमारे जो मोमोज तैयार किए हुए उसे हम इसके अंदर अच्छे से अलाइन कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिएगा मोमोज को और फिर हम इसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकाइएगा। जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो गए, तब तक हम जैन मोमोज की चटनी बना लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च ली है। इसके अंदर से हम जो इसके बीज होते हैं उसे अलग से निकाल देंगे ताकि हमारी चटनी जो एकदम तीखी ना बने और परफेक्ट टेस्ट की बने। और उसके बाद आप इन बीज को जो है चिली फ्लेक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इन मिर्च को जो है एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और 2 से 3 कप पानी डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे हम इसके अंदर और फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिर्च को जो अच्छे से पानी में सोक कर लेंगे। और फिर हम इसे ढक्कन लगा के हाई फ्लेम के ऊपर लगभग 10 से 15 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि हमारी मिर्च और टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते। फिर हम ढक्कन हटा के आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी मिर्च और जो टमाटर है वो अच्छे से पक चुके हैं। और उसके बाद में हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसके अंदर के एक्स्ट्रा पानी को भी निकाल देंगे। और पानी निकालने के बाद हम इस मिर्च और टमाटर को जो है एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर आधा कप के करीब पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के जो अच्छे से पीस के इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। फिर हम एक कढ़ाई के अंदर 1/4 कप के करीब तेल को लेके अच्छे से गर्म करेंगे और हमारा जो मिर्च और टमाटर का पेस्ट है उसे हम इसके अंदर डाल के इसे एक बार अच्छे से चला देंगे। तेल को जो अच्छे से मिक्स होने दीजिएगा इस पेस्ट के साथ में बिल्कुल इसी तरीके से। और इसके बाद हम इसमें 1 बड़ी चम्मच के करीब सोया सॉस डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच के करीब वाइट विनीगर डाल देंगे हम इसके अंदर। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, कम ज़्यादा आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आधी 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच के करीब ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम आंच के ऊपर पकाएंगे चलाते हुए। 1/4 कप के करीब टोमेटो केचप डाल देंगे और इसे भी जो अच्छे से एक बार के लिए मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के जो अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि हमारा सॉस अच्छा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। फिर हम गैस बंद करके इस ढक्कन को हटा देंगे। आप देख सकते हैं परफेक्ट गाढ़ी कंसिस्टेंसी है, ये एकदम परफेक्ट हमारी मोमोज की चटनी बन के तैयार है।
आप इसे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। और इतनी देर में लीजिए, हमारे मोमोज भी जो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, ये एकदम परफेक्ट ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो ये लीजिए, आपके जैन मोमोज और जैन मोमोज की चटनी बनके तैयार है।